क्या आपको भी फ्री में एयरपोर्ट पे खाना खाना है? क्या आपको भी अनलिमिटेड खाना खाना है? और क्या आपको भी फ्लाइट पे चढ़ती भूख लग जाती है? Then this video is for you. Hi guys, this is Harsh. और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ how to get unlimited food at the airport for just 2 rupees. Let's get started. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में, जी हाँ, आप फ्री में अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, वो भी एयरपोर्ट्स पे. यस, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे, अगर आपके पास कोई भी मॉडरेट मीडियम रेंज का कोई भी कार्ड हो, डेबिट और क्रेडिट मोस्ट बैंक्स के साथ, तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी लाउंजेस हैं इंडियन एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे, वहाँ आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा फ्री में बेसिकली. या तो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो आप 25 रुपये पे करते हो जब आपको एंटर करना होता है, बट आपको वो रिफंड आ जाता है आपके बैंक अकाउंट या आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट. नाउ दैट बीइंग सेड, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का ये है कहाँ पे. एक्चुअली मैं अभी न्यू दिल्ली के लाउंज पे हूँ जो कि प्रीमियम प्लाजा लाउंज है. यहाँ पे हर जगह के एयरपोर्ट के लाउंजेस अलग अलग होते हैं, जैसे मुंबई में अडानी लाउंज है, ऐसे यहाँ पे प्रीमियम प्लाजा लाउंज है. एंड एज यू कैन सी, मेरा फ्री का खाना यहाँ पे. तो अगर आपको भी चाहिए, जस्ट कीप वॉचिंग इट, ओके, जस्ट ध्यान से देखते रहिए आप. खैर, तो आपने जैसे कि देखा कि एंट्री के वक्त आपको यहाँ पे लाइन में थोड़ा भीड़ रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री है इंडियंस एंड मतलब यूजुअली हर जगह पर भीड़ रहती है. तो खैर, आपको अपना बोर्डिंग पास प्रोड्यूस करना पड़ता है काउंटर पे, और उसके साथ साथ आपको अपना कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड जो उनके साथ टाई अप हो लाउंजेस के साथ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगा जहाँ पे आप अपने सारे कार्ड्स चेक कर सकते हो, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड जो मोस्टली लाउंजेस के साथ टाई अप किया हुआ जाएगा. तो आप जैसे ही वहाँ पर कार्ड प्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आपका बोर्डिंग पास स्कैन किया जाता है. एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, वो ये कि आपकी जो बोर्डिंग पास उसके नाम पे है, एटलीस्ट अगर आप मोर देन 1 पर्सन हो, अगर आप सिर्फ 1 पर्सन हो तो आपका जो बोर्डिंग पास पे नाम है वही नाम कार्ड पे भी होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे. बट अगर आप मोर देन 1 पर्सन हो, ग्रुप हो, तो उसमें से एटलीस्ट किसी एक के नाम पे बोर्डिंग पास और कार्ड दोनों होना चाहिए, वरना आपको अलाउ नहीं करेंगे. तो आप अपने दोस्त का, बड़े भाई का, छोटे भाई का, या किसी का भी फैमिली मेम्बर का कार्ड लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं हो सकते. उसके अलावा अगर आप चाहो, जैसे मान लो आपके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, या फिर अगर मान लो आपके पास कार्ड नहीं है या फिर आप एग्जॉस्ट कर चुके हो लिमिट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मोस्टली बैंक्स एक क्वार्टर में, मतलब हर तीन महीने में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से हर 3 महीने में आपको 2 या 1, अगर आपका बैंक अच्छा है, आप ज़्यादा प्रिविलेज कार्ड है आपके पास, तो आपको पर क्वार्टर 2 लाउंज एक्सेस मिलेगा. कुछ कुछ अल्ट्रा प्रीमियम कार्ड्स में अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस भी होता है, बट क्योंकि हम यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको पर क्वार्टर 2 ही लाउंज एक्सेस मिलता है. तो उसमें आप एग्जॉस्ट भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, आपके ज़्यादा लेओवर्स हैं, तो उस केस में आप पे करके भी जा सकते हो. जैसा कि आपको देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइसेस मेंशनड है किड्स के भी और बड़ों के भी, मतलब बच्चे और बड़ों दोनों के प्राइस मेंशन है. और आप 2 घंटे, ये स्पेसिफिकली प्रीमियम प्लाजा लाउंज का प्राइस है, ये हर लाउंज का नहीं है, हर लाउंज में डिफरेंट होगा. बट अगर आप दिल्ली में हो तो आपको 2 घंटे के लिए ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, 4 घंटे के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और 10 घंटे के लिए. बट यार, मतलब आई वोंट सजेस्ट, इसे जब फूड कोर्ट चले जाओ, ये बगल में तो फूड कोर्ट है, एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट, आप वहाँ खा लो, इट्स लेस एक्सपेंसिव. और मतलब आप कितना ही खा लोगे, अनलिमिटेड है, लेकिन खा कितना होगा, 3 मैकडी के बर्गर खा लोगे, 600 रुपये होंगे, यहाँ 1,000, 1,500, 2,000 देने पड़ेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप एक लंबे लेओवर वाले फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो या अगर आप जल्दी एयरपोर्ट जाने वाले हो, तो यूजुअली लाइक हमेशा नहीं बट यूजुअली जो एवरेज टाइम है ना, वो 3 घंटा है. मतलब अगर आपकी फ़्लाइट 12 बजे है तो आप लाउंज के अंदर 9 ही बजे जा सकते हो. बट हाँ, अगर आपकी अर्ली इन द मॉर्निंग फ्लाइट है, जैसे 9-10 बजे, तो आप 5-6 बजे लाउंज में जा सकते हो. बट डे टाइम में क्योंकि भीड़ होती है और इनका रेगुलेशंस ऐसे हैं, तो आपको 3 घंटे पहले ही एंट्री अलाउ की जाती है, तो आपको इस बात का भी थोड़ा ध्यान. यहाँ के इंटीरियर्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वेल लिट, अच्छा एम्बियंस रहता है, काफ़ी शांत भी रहता है, जबकि इतनी भीड़ रहती है उसके बाद में सब शांति से रहता है. वेरी गुड थिंग एंड वेरी अनयूजुअल ऑफ सो मेनी इंडियंस गैदरिंग एट 1 पॉइंट एंड नॉट मेकिंग नॉइज.
है। हाँ, यहाँ पे अल्कोहल भी सर्व होता है, हर लाउंज पे नहीं होता बट स्टेडियम प्लाजा लाउंज में होता है, बट यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। कुछ कुछ कार्ड्स में अल्कोहल भी फ्री होता है बट मेजॉरिटी में नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। बट आई वोंट रिकमेंड, प्लीज डोंट ड्रिंक बिफोर फ्लाइंग, डोंट ड्रिंक यूजुअली एज वेल, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँ, तो क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हो अभी अवेलेबल फूड में इडली, वड़ा पाव, उपमा, चिकन नगेट्स, सैलड, फ्रूट्स, क्रोसॉन्स, ब्रेड्स, ये सब अवेलेबल है। मैं इडली की प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ बाय द वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट, क्योंकि फ्री में है, अनलिमिटेड है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सब, बट टेस्ट भी तो मैटर करता है ना, कुछ भी तो नहीं खा सकते हो। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो शायद आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ऐसा पॉसिबल है, बट ये जो आप 2 रुपए में और अनलिमिटेड खाना खाने वाले हो, ये खाना 5-स्टार होटल शेफ्स बनाते हैं। जी हाँ, मैं भी उसी तरह सरप्राइज होता जैसे आप अभी सरप्राइज हो रहे हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना होता है यार, मतलब कोई भी एक भी डिश ऐसी नहीं होगी जो आपको पसंद ना है, अनलेस अंटिल यू आर एलर्जिक टू इट, लाइक उनके कुछ इंग्रेडिएंट्स से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना होता है यार, एंड द होल स्टाफ इज सो पोलाइट, जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज आई रिमेंबर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था 2018 में, व्हेन आई वाज फ्लाइंग एंड मैं अपनी फैमिली के साथ था और मेरा एक कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा था, उसमें लाउंज एक्सेस था बट स्वाइप नहीं हो रहा था, सम इशू, सो दे लेट मी इन और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप बाद में पे कर देना, विच यूजुअली इज़ नॉट द केस। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका कार्ड स्वाइप नहीं होता मोस्टली एयरपोर्ट्स में आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता लाउंज में। सो दिस वॉज वेरी स्वीट, आई स्टिल रिमेंबर दैट वॉज सम हाउसकीपिंग स्टाफ जिनका नाम महेश था, शाउट आउट टू यू इफ यू आर स्टिल वर्किंग हियर, मैंने मुझे दिखे नहीं अभी। खैर, तो ये बात थी, टेस्ट की बात हो गई, टेस्ट वॉज रियली रियली गुड, इज रियली रियली गुड, आई एम हैविंग इट, पाव भाजी बहुत टेस्टी है, द टेस्ट इज रियली गुड, द एम्बियंस इज रियली गुड, यू आर नॉट, देयर इज नो नॉट अ नॉइजी एनवायरमेंट, इट्स वेरी क्वाइट, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा स्वीटली दे सर्व एवरीथिंग, इट्स वेरी स्मूथ, आपको कहीं ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता, बस छोटा सा दिक्कत होता है जो लाइन में वेट करना पड़ता है, दैट्स अ स्मॉल थिंग। और यूजुअली मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि लाउंज में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू वाईफाई, राइट, आपको इंटरनेट की भी फैसिलिटी दी जाती है, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस नाउ यू हैव टू प्रोवाइड योर आइडेंटिटी प्रूफ एट द काउंटर एंड गिव अ फोटो कॉपी फॉर इंटरनेट एक्सेस। तो उतना मैंने किया नहीं, मैं सोचा मैं अच्छा हॉटस्पॉट ले लूँगा, इतना कौन करेगा यार हैसल, बट अगर हाँ मैं ज़्यादा देर तक बैठा तो मैं पक्का ये करता। तो अगर आपको भी इंटरनेट वगैरह चाहिए यहाँ पे एक्सेस, यूजुअली तो आपको फ्लाई करने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना ही पड़ता है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, बस थोड़ा सा वहाँ पे एंट्री के वक्त लाउंज में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है मेरा टेस्ट ऐसा है, मतलब मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो लाउंज में मिलती हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि खाना अच्छा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पायलट्स बैठ के खाना खाते हैं। यू वांट मी टू शो यू, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी, बट हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको बेवरेजेस भी मिलते हैं, चाय, कॉफ़ी, मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं आप, चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आप यहाँ पे भी आके बैठ सकते हो। और ऐसा नहीं कि अगर आप मतलब ओ नहीं मैं तो घर से खा के आया हूँ या मेरा पेट जो भूखी लगा है तो मैं क्यों जाऊँ लाउंज, जस्ट सेट देयर यार, एयरपोर्ट में बहुत शोर होता है बाहर, इट्स वेरी क्वाइट, आइसोलेटेड जगह पे रहता है, आपको एटलीस्ट पानी फ्री मिलेगा, 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे पानी के लिए, 2 रुपये ही देने पड़ेंगे, आप अनलिमिटेड पानी की बॉटल भर सकते हो अपने बैग में, क्योंकि अब तो सिक्योरिटी चेकिंग कराना नहीं है। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूँ, हाँ जाने से पहले मुझे भी जस्ट याद आया निकलते, सॉरी मैं वीडियो के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट लाउंज में आपको शावर रूम भी मिलता है, लाइक वॉशरूम्स तो रहेंगे ही ऑब्वियसली, बट शावर रूम्स भी है, तो आप एक्चुअली लाइक फ्रेशन अप हो सकते हो अगर आपका बहुत लंबा लेओवर है। वैसे बात करें अगर लाउंज आपको मिलता कहाँ पे, मतलब लाउंज होता कहाँ है एयरपोर्ट्स में, आप कब एक्सेस कर सकते हो, तो आप लाउंज एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद एक्सेस कर सकते हो, अपना बोर्डिंग पास आपने ले लिया, आपने अपने बैग चेक इन ड्रॉप करा दिए, अगर आपने पूरा सिक्योरिटी चेकिंग करा लिया, उसके बाद जब आप एंटर करते हो फूड कोर्ट की तरफ या मेन शॉपिंग एरिया में या बेसिकली एयरपोर्ट रन वे गेट्स के पहले जहाँ से आपको फ्लाइट बोर्ड करना पड़ता है उस गेट्स से पहले, वहाँ पे आपको लाउंजेस मिलते हैं।
सिक्योरिटी चेकिंग के पहले लाउंज किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं अवेलेबल है, मतलब जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई भी लाउंज नहीं है। तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप सीधे कार्ड लेके चले जाओ कि हाँ चलो खा के आते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। That's it for the video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया then make sure to hit that like button ताकि YouTube को भी पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। And if you haven't subscribed to the channel yet, please do that. Thank you for watching the video guys. This is Harsh signing off. See you in the next one.